मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। ये जो येलो हाइलाइटेड हैं, ये वो चीजें हैं जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें से कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो हम लोग समझते हैं कि नहीं हुई हो? सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। एक मिनट हो गया। अच्छा, मेरी तरफ से तो ये काफी हाई हुआ हुआ है। ये बताओ, सबको हल्की आ रही है या एक एक आध के साथ ये मसला है? सर सबको हल्की आ रही। ये मेरे पास जो मेरे मैं अपना माइक्रोफोन चेंज किया, अब कैसी है? अब तेज हुई है आवाज? अब बताओ, आवाज का क्या हाल है? अच्छा, जी सर अब सही है। सर ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो कि हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। अगर तुम लोग कोई भी समझता है कि इसमें से कोई चीज नहीं हुई भी, तो मुझे भी बताओ। ठीक है, अब हमें हम जो लास्ट हमने छोड़ा था, वो छोड़ा था बाइपोलर ट्रांसिस्टर। हमने शुरू किया था और उसके बाद फिर वो रमजान आ गए थे और वो क्लासेस इधर उधर हो गई थी। ठीक है, अब हमें शुरू करना है बाइपोलर ट्रांसिस्टर से। बाइपोलर ट्रांसिस्टर में हमने कॉमन एमिटर, कॉमन बेस ट्रांसिस्टर को पहले लिया था और उससे फिर हम उसकी बायसिंग तक पहुंच गए थे। सब लोग एग्री हैं इसी बात से कि हमने इसकी बायसिंग देखी थी? बताओ, है इस वक्त किसी के सामने पुराने नोट्स अपने या नहीं? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हाँ, आप बताओ कि मेरी आवाज आ रही है सबको? सबको मेरी आवाज सर, आ रही आपको है? हमारी हाँ, आवाज आ रही है? अब आई है किसी भी एक की? सर हमें नहीं आ रही। हेलो अभी भी नहीं आ रही? एक हेलो मिनट, नोट करो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अब तुम्हें मेरी? यस सर।
सबके लिए सही है। अच्छा अब हमें बाइपोलर ट्रांसफर से शुरू करना है आज, और बाइपोलर ट्रांसफर के लिए तुम्हें कितना कुछ याद है कि हमने कहाँ से कहाँ तक कर लिया था? ये आइडियल डायोड्स किसने लिखा है, क्या मतलब है इसका? सर, हमने ट्रांजिस्टर में एनपीएन ट्रांजिस्टर के कर्व देख लिए थे, उसमें हमने आइडियल उसमें देख लिया था, हमने उसके ग्राफ को डिस्कस कर लिया था कि जैसे जैसे हम सोर्स का करंट वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास उसकी एब्जॉर्प्शन पावर वगैरह भी बढ़ती जाती है। हाँ बिल्कुल। तो हमने उसकी बायसिंग तक देख लिया था, या और कुछ भी यस आगे सर हमने लैब कर जी ली थी ट्रांसफर की? क्या लैब जी भी कर ली थी ट्रांसफर की? लैब दो मिनट सर, दोबारा बोलिएगा कवर कर ली थी, लैब में हमने ट्रांसफर को कवर किया था। जी सर, किया था। अच्छा, तो इसका मतलब कि हम वहां से तो आगे निकल गए थे। जी अब हमें चाहिए ये वाली प्रेजेंटेशन जो है मेरी, अब जो तुम्हें नजर आ रही होगी, ये यस सर। अपना माइक बंद कर दो, बोलते वक्त ऑन किया करो खाली। ये शुरू से है, लेकिन इसमें जहाँ हम ये हमने कर दिया था कि किस तरह से ट्रांसफर को हम देखते हैं, और किस तरह से ट्रांसफर की कंस्ट्रक्शन होती है, और क्या उसके सिंबल्स होते हैं, और किस तरह से उसके अंदर ट्रांजिशन होती हैं, किस तरह से उसके अंदर चीजें जाती हैं, किस तरह से उसके अंदर करंट फ्लो होता है, ये हम कवर कर चुके थे। और तुम कह रहे हो कि हमने ये भी कवर कर लिया था बायसिंग, और हमें ये भी पता चल गया था कि ये करंट, ये वोल्टेजेस किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये VCE है, ये 0.7 है फॉर एवरी ट्रांजिस्टर। IE मैं कैसे पता करता हूँ कि IE कौन सा IE है जो कि इस जगह फ्लो कर रहा है? वो ये IE है। VCB क्या होता है? VCB ये वाला सेक्शन होता है, इस जगह वाला वोल्टेज होता है। VC क्या, कौन सा वोल्टेज होता है? VC ये वाला वोल्टेज होता है जो इसके अक्रॉस होता है। और हमने कहा था कि IE हमेशा IC और IE बराबर होंगे। हमने कहा था VC कौन सा वोल्टेज होता है? ये इसके ऊपर वोल्टेज होता है, और VCB ये कुछ रिपीट होती है। ठीक है,
हमारे पास ये वोल्टेजेस होते हैं VCB, VCE, VE और VC, और ये इनके VCE। ये हमारे पास वोल्टेज बायसिंग के वक्त हम क्या करते हैं कि इन वोल्टेजेस को सेटल डाउन कर देते हैं। जब एकदम मैंने इसको बायस कर दिया, ये रेजिस्टर लगा दिया एक खास वैल्यू का, तो यहाँ का करंट कांस्टेंट हो गया। अब ये करंट उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकता जब तक कि ट्रांजिस्टर चेंज नहीं हो, या कि ये रेजिस्टर चेंज ना हो, या कि ये बैटरी चेंज हो। जब तक ये चेंज कांस्टेंट है, तो ये करंट, ये वोल्टेज यहाँ पे आर ई वाला जो है वी ई, वो कांस्टेंट रहेगा, और ये वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। और ये वोल्टेज क्या होता है, ये वोल्टेज होता है दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज इज दिस वोल्टेज, ठीक है। और इसमें करंट क्या होता है, दिस वोल्टेज वी ई डिवाइडेड बाय आर ई, वो इसके अंदर करंट होता है। अब हम क्या क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने ये सब कुछ देख लिया कि ये इस तरह से जितना करंट यहाँ पे बढ़ेगा उतना ही करंट यहाँ पे बढ़ेगा, जितना करंट यहाँ पे बढ़ेगा उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज होगा ये आई सी इंटू आर सी। अगर आई ई बढ़ेगा तो आई सी बढ़ेगा, आई सी बढ़ेगा, आर सी कॉन्स्टेंट है, इंटू दैट इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमने लैब में भी, अगर लैब हमने कर ली थी तो हमने लैब के अंदर ये चीजें वेरीफाई कर ली थी कि बिल्कुल ऐसा होता है कि यहाँ का करंट बढ़ाने से यहाँ का करंट बढ़ता है और इस बैटरी के बढ़ाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था, यस सर। अच्छा अभी इनफॉर्मेबिलिटी की बात नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं तुमसे टॉप शेयर कर रहा हूँ, और मैं अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे साथ इस पेंट के थ्रू, अच्छा। अब हमने ये बात कर ली थी कि ये एक ट्रांसिस्टर है, ये इसका इमिटर है, इमिटर से हमने एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, और हमने एक कलेक्टर से रेजिस्टर लगाया हुआ है। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें तो बेयर करनी पड़ेगी। और यहाँ हमने बैटरी लगाई हुई, जो कि क्या है, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में इसका मतलब है इसका नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा, और इसका जो बेस है दोनों का वो कॉमन है। कॉमन इसलिए है कि यहाँ के यहाँ पर ये वाला गया है, ये रिवर्स बायस, इसका मतलब इसका पॉजिटिव यहाँ पर लगेगा। और बेस कॉमन इसलिए है कि मैं दोनों सर्किट के अंदर यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है, उसमें बेस कॉमन है, ठीक है। यही अभी हमने वहां पे देखा है, और हमने ये देखा है कि यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज सिमिलर है, सॉरी फिक्स्ड है। अब जब हमने ये किया कि हमने यहाँ के सारे वोल्टेजेस फिक्स कर लिए, तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें वोल्टेज ड्रॉ करके बताऊँ, तो यहाँ पे एक वोल्टेज है जिसका नाम वी सी है, और जो कि फिक्स है,
यहाँ पे एक वोल्टेज है जिसका नाम VE है और ये फ्लेक्स है। यहाँ पे एक वोल्टेज है जिसका नाम VC है, सॉरी VEB है जो कि फिक्स है, और इस हिसाब से यहाँ का वोल्टेज फिक्स है। ठीक है, तो ये अब ये स्टेबल वोल्टेजेस आ गए यहाँ पे सब जगह। राइट right? पहले वाली ये इक्वेशन हम यहाँ पे देख चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको यहाँ पे कॉपी कर सकूँ। चलो ये मेरी बी सी सी है। ओप्स, बहुत छोटा फॉर्म है। ठीक है, ये मेरा VCC है। ठीक है, ये मेरा क्या है, अच्छा आप तुम लोग एक काम करना। अच्छा अभी ये कौन सा वोल्टेज है, VC है, और ये कौन सा वोल्टेज है, VE है। ये कौन सा वोल्टेज है, VCC या VCB, ओ सॉरी VEE या ED। ठीक है, और ये वाला वोल्टेज है तुम्हारा VCC या BC, और ये वाला तुम्हारा वोल्टेज है ये वाला था। ठीक है, ये सारे वोल्टेजेस हैं। अब जब इसमें ये सारे वोल्टेजेस स्टेबल हो जाते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ पर एक जनरेटर लगाता हूँ, फंक्शन जनरेटर जो कि हमने लैब में देखी, जिसमें से मुख्तलिफ किस्म की पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं और वो लाके यहाँ से यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं एक लोड रेजिस्टर लगा देता कैपेसिटर के जरिए, ठीक है। अब क्या होगा, हम इस बात को पहले पढ़ चुके हैं कि जब मेरे पास यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज होगा जो कि कांस्टेंट होगा, जिसकी एक वैल्यू फिक्स हो चुकी होगी, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स हो चुकी होगी, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ कांस्टेंट, और उसके ऊपर मैं एक इस तरह का एसी सप्लाई लाके लगा दूँ तो क्या होगा। पढ़ा था हमने, ये हमने पढ़ा था कि सुपरपोजिशन एक चीज होती है। सुपरपोजिशन क्या होती है कि इस डीसी के साथ मैं एसी मिलाऊं तो क्या होगा, इसकी शक्ल कैसी बन जाएगी,
इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी कि ये इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा। जब यहाँ सुपर इम्पोज हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ का करंट इसके साथ वैरी करने लगेगा, यहाँ का करंट इसके साथ वैरी करने लगेगा, और जब ये वैरी करने लगेगा तो ये भी वैरी करने लगेगा। तो पहले जिस तरह से यहाँ सब तीनों जगह वोल्टेजेस स्टेबल हो गए थे, एक डीसी वोल्टेज आने लगा था, वीई वीसी और वीसीबी, तो अब क्या हुआ कि वो स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल होने के बजाय ये इस यहाँ से इनकमिंग एसी जो है उसको फॉलो करने लगे। जिस तरह से ये बढ़ेगी, हमने सुपरपोजिशन का किसी को फॉर्मूला याद है कि क्या कहा था? मैं कहता था कि अलजेब्रिक सम होगा दोनों का, इनकमिंग वोल्टेज और यहाँ का डीसी वोल्टेज, इस एसी का और इसका अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम होगा तो ये लॉस वैल्यू चली जाएगी और ये इसके अंदर ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसका मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो पहले था ये 5 वोल्ट था और मैंने यहाँ से जो एसी दी है ये मैंने दी है 0.2 वोल्ट। जीरो पॉइंट टू वोल्ट की मैंने यहाँ से एसी दी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 0.2, ये 5.2 तक पहुंच जाएगा ऊपर। और ये नीचे वाला वोल्टेज क्या कहाँ पहुंचेगा, कोई बताएगा मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ ये इसमें प्लस हो गया है तो यहाँ इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.8। ठीक है, तो ये इस तरह से वोल्टेज इसके अक्रॉस वेरी करने लगेगा और यही वेरिएशन यहाँ जाएगा। यहाँ का जो वीसी का वोल्टेज है, वीसी प्लस दिस वोल्टेज होगा, वीसी माइनस दिस वोल्टेज होगा, यहाँ वीसी भी दिया जाएगा होगा, वीसी भी प्लस दिस वोल्टेज होगा जो इनकमिंग वोल्टेज, और माइनस दैट वोल्टेज होगा क्योंकि अलजेब्रिक सम है। ठीक हो गया, बताओ आपके समझ आ रहा है तो? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा एक काम करो कि सब लोग चैट के ऊपर प्रेजेंट लिख के भेज दो ताकि वो तुम्हारी अटेंडेंस काउंट हो जाए। ओ, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं शुरू की, चलो अब नेक्स्ट सेशन से शुरू करेंगे। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बताओ भाई, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये बात समझ नहीं आई उसमें कोई भी। फिर टाइम खत्म होने में 1 मिनट 45 सेकंड रहेगी, 40 सेकंड।
मैं यहाँ से ही दोबारा शुरू करूंगा, जैसे ये लिंक बंद हो जाए तो इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर उस वक्त क्लासरूम क्लोज होने से पहले हमारे पास 5 मिनट होंगे। कोई तो अपना माइक खोल के बताओ कि अगर कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, 17 में से 15 ने अपनी अटेंडेंस लगा दी। मैं यहाँ से शुरू करूंगा नेक्स्ट सेशन में, टाइम कम रह गया तो मैं उसी का अपने, और मुझे ये बताओ कि अगर ये समझ आ गया तो फिर हम शुरू करें वरना कोई फायदा नहीं। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ तो बेहतर होगा। कहाँ से तुम उस वक्त पहले? सर ये जो ऊपर 5.2 वोल्ट और 5 वोल्ट और ये साइड में जो 0.2 आपने लिखा है ना, ये यहाँ से थोड़ा सा कन चलो, ये किसी ने मुझे बताया था कि रिकॉर्डिंग ऑन करनी है।